वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ लोग पेड़ों की कटाई कर रहे थे। जैसे इस मामले की सूचना वन विभाग को मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम को देखते ही लोग भाग निकले। इसके बाद वन विभाग ने फ्लैग मार्च भी निकाला। मामला हंडिया रेंज के झल्लार वीट के कक्ष क्रमांक 335 का है, जहां बिना किसी अनुमति के आदिवासियों द्वारा हजारों पेड़ काटे गए। जैसे इस मामले की सूचना वन विभाग को मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची, वहां से कब्जा करने वालों को भगाया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। फॉरेस्ट एसडीओ संजय जैन ने बताया कि वन अमले की मौजूदगी में 500 से अधिक लोगों ने आज दोबारा जंगल की कटाई की। सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण के प्रयास को रोकथाम के लिए तकरीबन 100 से ज्यादा वन कर्मी ने फ्लैग मार्च निकाला था, ताकि यहाँ पर कोई इस प्रकार की अवैध कटाई की घटना न हो। लेकिन 1 बजे के उपरांत जब हम लोग यहाँ से वापस लौट गए थे और हमारे कुछ स्टाफ यहाँ 20 से 25 स्टाफ यहाँ रुका हुआ था रसलपुर, तो अचानक ही सामूहिक रूप से ग्राम झल्लार बंदी झिरी रसलपुर और गुठानिया के 500 लोग, जो कि हथियार के साथ थे, जिसमें दराती कुल्हाड़ी और तंगिया भी उनके साथ था, और उनके द्वारा महिलाओं को आगे करके और कक्ष क्रमांक 335 में सागौन की अंडर 20 की जो पौध होती है उसको नुकसान पहुँचाया और पलाश के झाड़ों को कटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।